नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चतरा के कंडवा जिला में चार सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित प्रभावित रैयतों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। वहीं कांग्रेस विधायिका जब आंदोलन स्थल पर पहुंची तब भी रैयतों से वार्ता करने का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। चतरा के टंडवा जिला में सात सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित प्रभावित रैयतों का उच्च स्तरीय कमेटी व मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के सवाल पर लगातार सातवें दिन आंदोलन जारी रहा। इसी बीच रविवार को GM AK चौबे पर कांग्रेस विधायिका अंबा प्रसाद रैयतों से वार्ता करने आंदोलन स्थल पहुंची, लेकिन रैयतों से वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। महाप्रबंधक ने कहा कि रैयतों की मांग उच्च अधिकारियों से संबंधित है। रैयतों की मांग को हमने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया है। सूचना आने तक आंदोलन को आंदोलनकारी स्थगित करें। इसका जवाब देते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि CCL कई बार लिखित वार्ता कर छलने का काम हम लोगों के साथ की है, जिसके कारण हम लोगों का विश्वास टूट चुका है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलनकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमाने तरीके से काम करने व शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महाप्रबंधक व विधायिका से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। अविलंब तीसरा मांग है यहाँ पर कि मूलभूत सुविधा अविलंब लागू किया जाए तथा संध्यात्मक जो फोरेज है उसको हटाया जाए। चौथा मांग है कि अम्रपाली परियोजना में CCL द्वारा बॉल बियरिंग एक्ट SEC 911 लगा है जी, नौकरी मुआवजा दी जाए। इस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? ऊपर जाती है मैनुअल लोडिंग का ऑलरेडी रूल से वहाँ हो गया है जी, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं, वो रूल को चेंज कराना पड़ेगा। दूसरा तीसरा फॉरेस्ट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल वो SDM लेवल में लास्ट मीटिंग में मैडम ने ये किया था। और रही बात 911 सेक्शन 9 और सेक्शन 11 जो हो गया वो अप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं दे पाए ना। हम लोगों ने अभी अमरपाली में 75 आदमी नौकरी की, जबकि हम लोग अभी कहाँ खड़ा है यहाँ फॉरेस्ट में, टोटल यहाँ पर फॉरेस्ट में मैक्सिमम का फॉरेस्ट है, फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ रही थी जमीन जो कि अभी हमको 5 साल में यूज करना है, उसको नौकरी देते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमको माइनिंग नहीं करना। इसमें एक ग्रामीणों का आरोप लगा है सर, CCL खुले यहाँ पर 7 साल हो गए, न यहाँ बिजली की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न किसी तरह का कोई CSR फंड के तहत कोई यहाँ पर विकास हुआ है। इस संबंध में आप क्या? बहुत सारे काम है, आप कहिएगा तो हम आपको रिव्यू दे देंगे जी। CSR बहुत सारे काम है, जैसा जैसे जिसके आवेदन आता है जी वैसे वैसे उस काम को हम लोग चेकअप करते हैं। अनलीगल यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि अम्रपाली में अनलीगल काम हो रहा है, रेफर फंडिंग किया जा रहा है, क्या बोलिए? ग्रामीणों का आरोप है अम्बे कंपनी द्वारा 300 रुपया ट्रांसपोर्टिंग लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रक का 35 रुपया दिया जा रहा है। कंप्लेंट करें सर, आरोप सही पाएगा तो केस उठा। एक चीज और है, एक विधायिका के द्वारा अध्यक्षता में एक बैठक ली गई थी, जिसमें बैठक में तय हुआ था कि CCL इस ग्रामीणों के द्वारा जो निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसमें 22/8/2020 कंप्रोमाइज करना था। CCL के द्वारा कोई अधिकारी यहाँ पर आए नहीं, बात करें बताता हूँ मैं, उसमें यही बात हुई थी कि अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा उसका कुछ मुद्दे पर हम लोग बैठ कर बात करें जी, लेकिन आंदोलन खत्म तो हुआ नहीं जी, और शुक्र होकर चला गया उसके चलते। अभी जो सरकार ने होना है तुरंत में जो उनका मांग जो डिमांड पूरा होना है, क्योंकि धनबाद में भी होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ पे पहल होगा। भैया तो वो न्याय कब तक मिलेगा? देखिए न्याय देने का काम तो कंपनी का है, आई एम नॉट कंपनी, आई एम फाइटिंग फॉर देम। हम वो लोग के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग के समर्थन में खड़े हैं और जल्द ही हम इसका हल निकालने का हमारा पूरा प्रयास है। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि आपने स्थानीय विधायक के प्रति एक बयान दिया था मुख्यमंत्री से मिलने के संबंध में जो झूठा साबित हुआ, इसे क्या कहा जाए? देखिए हमसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मिल रहे हैं किसी से, तो मेरे संज्ञान में था कि वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हम रांची में एक वीडियो जारी हुआ था, हम भी लोग यहाँ थे, आपने बोला कि मीडिया के लोगों को आ गया था, अब हमें इस भी नहीं जाना कि वो मिले या नहीं मिले, हमें यहाँ के लोगों से मतलब है। और उनको एक बार मिलने के लिए यहाँ पे लोग से आना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के हेल्प करना चाहिए। और वो ठीक है, बट आपने खुले मंच पे कहा था मीडिया के लोगों इसे नोट कर लें कि वो किसी से नहीं मिले, पुराना फोटो वायरल करके लोगों को बहला रहे हैं। ये मुझे लोगों ने बताया था कि पुराना फोटो है। आप सरकार के आदमी और लोगों से अगर इस तरह से सवाल के आदमी है तो क्या?
एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।